दिग्रस शहर के पिछड़े इलाकों पर सवार कृत्रिम जल संकट का भूत किसी सूरत में काबू में नहीं आ रहा। शहर के लिए भविष्य में साकार होने वाली 44 करोड़ की लागत वाली पेयजल योजना की बात से लोग खुश तो है, लेकिन वर्तमान में जल संकट की समस्या पर जलापूर्ति विभाग चुप्पी से लोगों में रोष बढ़ रहा है। पेश है दिग्रस से संवाददाता जुबैर खान की यह रिपोर्ट। इतिहास में दर्ज काले पानी की सजा या नरक यातनाओं का जिक्र आपने कहीं न कहीं पढ़ा या सुना ही होगा। अगर आप इसकी एक झलक साक्षात रूप में देखना चाहते हैं, तो मोतीनगर सुभाष नगर में आइए और देखिए कि कैसे एक एक बूंद के लिए लोग यहां दर दर भटक रहे हैं। ऐसा नहीं है कि यह समस्या महज मोतीनगर की है, बल्कि चांदनगर, संभाजीनगर, गौलीपुरा परिसरवासी भी भीषण जल संकट से जूझ रहे हैं। यहाँ ज्यादातर मजदूर पेशा लोग रहते हैं जो निजी टैंकरों से पानी खरीद नहीं सकते। घरों के बड़े ही नहीं बल्कि बच्चे भी यहां तपती धूप में पानी के लिए जद्दोजहद करते नजर आते हैं। ये बच्चे चिलचिलाती धूप से ज्यादा पालिका प्रशासन द्वारा निर्मित कृत्रिम जल संकट की आग में झुलस रहे हैं। मालूम हो कि हाल ही में दिग्रस शहर में पालक मंत्री संजय राठौड़ की प्रमुख उपस्थिति में 43 करोड़ 79 लाख रुपए लागत की पेयजल योजना का शुभारंभ हुआ। इस दौरान यहां नई पाइपलाइन बिछाने से लेकर पानी टंकियों के निर्माण और अरुणावती बांध नांदगवान बांध से भविष्य में पर्याप्त जलापूर्ति का आश्वासन दिया गया। बड़ी बड़ी बातें भी की गई। उन बड़ी बड़ी बातों में से कितनी बातें हकीकत में साकार होगी ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा, लेकिन मुद्दा यहां वर्तमान जल संकट से निपटने का है, जिसके बारे में पालिका प्रशासन न सिर्फ सुस्ती बरत रहा है बल्कि मोतीनगर, चांदनगर, संभाजीनगर और गौलीपुरा जैसे पिछड़े इलाकों में कम तो नदी के उस पार वाले इलाकों में पर्याप्त से ज्यादा जलापूर्ति कर रहा है। मुझे लगता है या तो मुख्य अधिकारी साहब अपने आप से झूठ बोल रहे हैं या फिर ऑफिशियली झूठ बोल रहे हैं। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ संजीव, हमारे करीब करीब 13 से 14 दिन हो जाते हैं पानी का सप्लाई नहीं होता है। ये ड्रीम प्रोजेक्ट हमारा अपना है। जिस वक्त अरुणावती डैम का प्रोजेक्ट हमारे डिग्रस शहर में आया था, हम लोगों ने बड़े उम्मीद से इस प्रोजेक्ट को देखे थे, लेकिन मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि अरुणावती का जो प्रोजेक्ट है डैम, वो हमारे लिए सफेद हाथी साबित हुआ। बहु जहां जहां भी प्रोजेक्ट होते हैं वहाँ वहाँ स्थानिकों को वैल्यू दी जाती है, स्थानिकों को प्रायोरिटी दी जाती है, स्थानिकों को प्राथमिकता दी जाती है। हमारी इतनी बदनसीबी है कि 3 किलोमीटर दूर पर हमारा प्रोजेक्ट है, हमारा नानगढ़ हमारा घर है अरुणावती डैम, लेकिन यहाँ से वाशिम को पानी दिया जाता और हम 14-15 दिन तक प्यासे रहे। बहरहाल कुल मिलाकर बात यह है कि जब नगर पालिका द्वारा सबसे एक जैसा टैक्स वसूला जाता है तो फिर सबको एक जैसी सुविधाएं मुहैया क्यों नहीं की जाती? क्या पानी जैसे कुदरती वरदान पर सबका हक नहीं है? अगर है तो फिर मोतीनगर जैसे पिछड़े इलाकों में जल संकट की जहां बात आती है, वहीं आकर पालिका के वाटर सप्लाई डिपार्टमेंट की यंत्रणा फेल क्यों हो जाती है? इन सवालों पर न सिर्फ पालिका प्रशासन को ध्यान देने की जरूरत है बल्कि उन पूर्व जनप्रतिनिधियों को पश्चाताप करने की आवश्यकता है जिन्होंने अपने कार्यकाल में इस समस्या के निपटारे पर ध्यान नहीं दिया और ना ही अब दे रहे हैं। कई कथित जनप्रतिनिधि तो ऐसे भी हैं जो कार्यकाल खत्म होने के बाद भी खुद को नगर पालिका सदस्य कहलवाते हैं और खुद को एक्टिव दिखाने के लिए सोशल मीडिया पर कभी पेयजलापूर्ति योजना का तो कभी किसी अन्य व्यक्ति द्वारा किए गए सेवाभावी कार्यों का क्रेडिट खुद अपने नाम पर करने की हास्यास्पद हरकत में लगे रहते हैं। कई तो ऐसे भी है जो खुद के इलाकों के कागजी विकास की बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन जल संकट में गुजरे बीते करीब 3 से 4 महीने में उन्होंने अपने प्रभाव से अपने वार्ड के लोगों के लिए एक अदद टैंकर की व्यवस्था तक नहीं की है। सोशल मीडिया पर दिखावे की खुद की फर्जी हरकतों से उन्हें लगता है कि उनकी निष्क्रियता छुप जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं है। जनता की आंखें खुली हैं, वो सब देख रही है, उसके दिल दिमाग में हर बात दर्ज हो रही है। वक्त आने पर किसकी कैसी मरम्मत करनी है, बस इसका उन्हें इंतजार है। और कोई कितना भी दिखावा कर ले, छलावा कर ले, लेकिन ये पब्लिक है जो सब जानती है। NBCN न्यूज के लिए दिग्रस से जुबैर खान के।